नमस्कार। फूल हम सभी को भाते हैं। फूल अपनी बनावट से, अपने आकार से हमें मोहित करता है, आकर्षित करता है, और उसकी अपनी एक खुशबू भी होती है। फूल सामने नहीं होता, फिर भी उसकी खुशबू होती है, और उस खुशबू से हम उस फूल को पहचान जाते हैं। आज हम ऐसा ही करने जा रहे हैं, कुछ बातें कुछ गीत में ऐसे कलाकार जिन्होंने पर्दे पर अभिनय भी किया, साथ ही साथ फिल्म को निर्देशित भी किया। जी हाँ, ऐसे अभिनेताओं पर आधारित है आज का हमारा ये कार्यक्रम। आपको भी कई फिल्में ऐसी याद होंगी जिसमें जो नायक रहे हैं या जो अभिनेता हैं उन्होंने फिल्मों को निर्देशित किया और अपनी कहानी दर्शकों तक पहुंचाई। एक साथी क्या लिखते हैं पहले ये देख लेते हैं। इंडस्ट्री में कई अभिनेता ऐसे भी हैं जिनमें एक्टिंग के साथ साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है। इन सितारों ने कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया है। इसके साथ ही दर्शकों के बीच ये फिल्में खूब लोकप्रिय भी हुई। बिल्कुल, और कई फिल्मों का इन्होंने यहाँ जिक्र किया है और कलाकार और निर्देशकों का जिक्र किया है। यहाँ पर जो है हमारे साथी हैं एक जिन्होंने अभिनेता मनोज कुमार की बात की है कि इन्होंने अभिनय के साथ कई फिल्मों का निर्देशन किया है। वहीं जो है हमारे एक और साथी हैं, इन्होंने कहा कि निर्माता निर्देशक और फिल्मी कलाकारों में से कई नाम जहन में आते हैं। महमूद भाईजान का, जिनके अभिनय के सब दीवाने हैं, एक ऐसा हास्य अभिनेता जिसे सभी दर्शकों को उन्होंने खूब हंसाया और खूब रुलाया भी। एक हरफन मौला कलाकार महमूद, इन्होंने उन्हें याद किया है। वहीं जो है फिल्म निर्देशन करना और साथ में उसमें अभिनय भी करना, इन दोनों विधाओं को हिंदी फिल्मों में बहुत से उदाहरण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ ने बहुत ज्यादा प्रभावशाली ढंग से दोनों विधाओं का निभाया है, जैसे इन्होंने कई नाम लिखे हैं यहां पर। और आगे हम बढ़ते हैं, हमारी एक साथी हैं, वो कहती हैं कि मुझे पृथ्वीराज कपूर, वी शांताराम, एन टी रामा राव, जेमिनी गणेशन, राज कपूर, देवानंद, गुरुदत्त, शशि कपूर, रणधीर कपूर, आमिर खान साहब की फिल्में याद आ रही हैं। अभिनेता निर्माता निर्देशक सुभाष घई जो हैं अपनी फिल्मों में जो वो निर्देशन किया है उन्होंने, थोड़ी देर के लिए पर्दे पर अवश्य दिखलाई देते हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ श्रोताओं के कमेंट्स और जो जानकारियां होंगी उसके द्वारा हम आगे बढ़ते जाएंगे आज के इस थीम के साथ। और हमारी एक साथी लिखती हैं गुरुदत्त जी के बारे में, हिंदी मोशन पिक्चर्स निर्माता निर्देशक लेखक और अभिनेता जिनकी मेलोड्रामा के समूह में मूड और प्रकाश व्यवस्था जैसे तत्वों की महारत ने उन्हें बॉलीवुड में स्वर्ण युग के सबसे प्रसिद्ध और सबसे निपुण स्टाइलिस्टों में एक बना दिया है। एक अभिनेता फिर कोरियोग्राफर के रूप में भी इन्होंने काम किया और उनके बारे में आपने काफ़ी जानकारियां जो हैं वो साझा की हैं। और अब जो है हम चलते हैं आगे। आज का विशेष दिन है, हमारे कई साथी इस कलाकार को याद कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कौन सी फिल्म का गीत है और इस फिल्म को निर्देशित किसने किया, मुख्य भूमिका किसने निभाई, और पर्दे पर वो नजर आए हैं, और संगीतकार का नाम भी जरूर बताइएगा। फिलहाल इस गाने को सुनते हैं। मैं हूँ घोड़ा, ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली। ओ ना गोरी है ना ये काली। ओ हो घर तक पहुँचा देने वाली। मैं हूँ घोड़ा, सबसे निराली। हो ना गोरी है ना ये काली। हो घर तक पहुंचा देने वाली।
जय। अरे सामने क्या देख रहे, उन्हें पीछे से पाकिट मार रहे हैं। रुपया भाड़ा पैसेंजर इतना जाड़ा, मलाना को रे ना को रे ना को, मलाना को रे ना को रे ना को। ओ दुबला पतला चलेगा और तिरछा चलेगा, साला हो या हो वो साली हो, जाने की आधी घरवाली। घर तक पहुंचा देने वाली मोटर दिख रही क्या? रिक्शा वाले को भी देखो भाई। एक दिखाकर बीड़ी ठुकवा दी चार गाड़ी, अरे पैसे का खेला है खेला, अरे पैसे का खेला है खेला। हाँ जो मर्जी है करा लो, पॉकेट से नोट निकालो, फिर ले जाओ जेब खाली। ए, 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 ए बाजू हट बुरके वाली। घर तक पहुंचा देने वाली। हम आजाद है मिस्टर, क्या इंसान और क्या जानवर, मेरे देश में सारे बराबर, मेरे देश में सारे बराबर। ओ कुत्ता कत्ते पे सोए, मानव चादर को रोए, जिंदगी लगती है गाली। हो जिंदगी लगती है गाली। हो घर तक पहुंचा देने वाली। मैं हूं घोड़ा ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली। हो ना गोरी है ना ये काली। घर तक पहुंचा देने वाली। ए घर तक पहुंचा देने वाली। बिल्कुल सही पहचाना है आपने साथियों, कुमार रबाब फिल्म का यह गीत किशोर कुमार, महमूद और साथियों ने इसे गाया, और महमूद ने ही इस फिल्म को निर्देशित किया था। उन्होंने और भी कई फिल्मों को निर्देशित किया है, और यहाँ पर हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि ये जो गाड़ी है राजेश रोशन के संगीत की, ये इसी फिल्म से आगे बढ़ी थी। और हमारे दूसरे साथी हैं वो क्या कहते हैं, एक ने कहा है हमारे एक साथी ने कि ये जो
सरल है बहुत आज का विषय, और इस सरल विषय में बाकी के लोगों को तो 80% मिलने की गुंजाइश है, लेकिन हमें जो है वो 40% ही मिलेगा। विषय सरल है ये जानकर मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, वरना ऐसा कई बार हो जाता है कि, पर अब देखना यह है कि आप कितने अंक लाते हैं इसमें, है ना। चलिए हमारी एक साथी क्या लिखते हैं, सबसे पहले मैं इस क्रम में गुरुदत्त का नाम लेना चाहूंगा। गुरुदत्त सबसे इंटेंस सिनेमाई छतों को एक दृश्य एक गीत में ढाल देने में बहुत करिश्माई थे। फिल्म प्यासा इस बात की तस्दीक करते हैं। दूसरे नंबर पर भी शांताराम का नाम इन्होंने लिया है, जो सामाजिक उद्देश्य को लेकर इन्होंने फिल्में बनाई हैं, जैसे कि दोबारा, दो आंखें बारह हाथ और डॉक्टर कोटनेस की अमर कहानी। और वहीं जो है राज कपूर विजय आनंद का नाम भी लेना चाहूंगी, और राज कपूर का नाम तो है ही इनकी लिस्ट में। कहने का मतलब यह है कि आज जो अभिनेता निर्देशक के रूप में जिन्होंने काम किया अपनी फिल्म में दर्शकों को दी, उनमें से आपकी पसंद के जो हैं वो भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अभिनेता फिरोज खान ने भी अभिनय के साथ साथ फिल्मों का निर्देशन भी किया है और कई फिल्मों का नाम उन्होंने लिखा है। यलगार 1992 के बाद जो है फिरोज खान ने ब्रेक लिया और अपने बेटे के साथ एक फिल्म दिखाई दिए थे जिसका निर्माण और निर्देशन फिरोज खान ने किया था, जिसका नाम था जान मशीन। 2003 की ये फिल्म थी। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं कि जो है ऐसे कई हीरोज हैं जिन्होंने निर्देशित भी किया है, अनेक नाम याद आ रहे हैं। राज कपूर मेरा नाम जोकर याद आ रही है, रणधीर कपूर की फिल्म याद आ रही है, हीना, और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के, और मोहन चोटी का भी यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। फिल्म का नाम धोती लोटा और चौपाटी इन्हें याद आया, और राजेंद्र कुमार की फिल्म लव स्टोरी भी इन्हें याद आई है आज के इस विषय से। हमारी एक साथी लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के ऐसे कई अभिनेता हैं जिन्होंने न केवल अपनी अभिनय कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है, बल्कि अपनी खुद की फिल्मों का निर्देशन भी किया है। फिल्म निर्देशन कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए कहानी कहने की गहरी समझ, फिल्म निर्माण तकनीक और एक टीम का नेतृत्व करने की क्षमता की भी आवश्यकता होती है। यह बात आपने बिल्कुल ही सही कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और गीत है हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है, कलाकार का, निर्देशक का नाम आपको बताना है, हाँ संगीतकार का नाम भी अवश्य बताइएगा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी,
हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी, ये पगलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और वैसे क्यों ना पहचानते, इस गाने से हम कितना प्यार करते हैं, कितने बार सुनते हैं, और हर बार ये गीत हमें नया सा लगता है। लेकिन वो पुरानी खुशबू, वो पुराना का पूरा पूरी याद जो होती है हमारी, वो इसके साथ जुड़ जाती है। लेकिन उसमें थोड़ा सा खलल आया है, आवारा और श्री 420 के बीच में जो है, जहाँ पर ऐसी प्रतियोगिता हो गई है, कुछ ने आवारा फिल्म का गीत बताया है, कुछ ने श्री 420 का। सही सही बताइएगा, बाद में मैं बताता हूँ। बिल्कुल राज कपूर की फिल्म थी ये, संगीत शंकर जयकिशन का था। क्लियर कर लेते हैं कि ये आवारा का गीत था कि श्री 420 का। कुछ लोगों ने सही लिखा है, एक ने गलत लिखा है, दो ने गलत लिखा है, तो हम एक मत हो जाते हैं। फिलहाल दूसरा गीत आपको सुनवाते हैं। हमारे कई श्रोताओं ने, बहुत सारे अपनी पसंद के जितने भी निर्देशक हैं, उनका जिक्र किया है, पुराने से लेकर नए तक का। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक कलाकार जो है वो अपने अभिनय से जहां मोहित करता है सभी को, वहीं निर्देशकीय क्षमता से कहानी को कहता है एक फिल्मकार के रूप में। अच्छा, ये कौन सी फिल्म है, इसके गायक का नाम बताइएगा, फिल्म का नाम बताइएगा, और निर्देशक का नाम आज के इस कार्यक्रम में तो कंपलसरी है ही। अच्छा, संगीतकार का नाम भी बताइएगा ज़रूर। राही तू मत रुक जाना, राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। राही तू मत रुक जाना, माना की गहरी है धारा, पर है कहीं तो किनारा, तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा, तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। राही तू मत रुक जाना, सबका वो ऊपर वाला, सबको उसी ने संभाला, जब भी गिरा गम का अंधेरा, उसने किया उजियाला, जब भी गिरा गम का अंधेरा, उसने किया उजियाला, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। राही तू मत रुक जाना,
यहाँ से मत घबराना, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। दूर गगन की छाँव में इस फिल्म का ये गीत था और हेमंत कुमार की आवाज़ थी। हमारी एक साथी ने लिखा है कि इतने सारे प्रश्न, वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, और भी प्रश्न किए जा सकते थे लेकिन जवाब एक ही होता, क्योंकि इस फिल्म को निर्देशित किया किशोर कुमार ने, लिखा किशोर कुमार ने, निर्माता थे किशोर कुमार, अभिनय किया पर्दे पर किशोर कुमार ने, सुप्रिया देवी इसमें थी और अमित कुमार भी थे, और साथ ही साथ इस फिल्म का संगीत भी किशोर कुमार का था। और जो है विश्व हृदय दिवस की शुभकामना लिखी है हमारे साथी ने और कहा है, दिल अच्छा तो हर चीज़ में फूल नज़र आते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और फिल्म का गीत आपको सुनाते हैं। गायिका की आवाज़ पहचानिए और संगीतकार को, और अभिनेता और निर्देशक को तो पहचानना ही है। कैफी आजमी का लिखा गीत सुन रहे थे आप, संगीत SD बर्मन का था, आवाज़ गीता दत्त की, और फिल्म का नाम कागज़ के फूल। हमारे कई साथियों ने इसे पहचाना है, और इस फिल्म को निर्देशित किया गुरु दत्त ने, और निर्माता इस फिल्म के थे और कलाकार तो थे ही, इनके साथ वहीदा रहमान
और कुमारी नाज, महमूद थे, जॉनी वॉकर थे इस फिल्म में, और इस फिल्म के गाने हम काफ़ी सुनते भी हैं, आपको सुनवाते भी हैं। यहाँ पर हमारे एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है कि यादों में नायक केवल एक सेट पर 2 घंटे की अवधि के दौरान खुद से अपने काल्पनिक व्यक्तित्व से बात करता है। अपने निर्देशन की पहली फिल्म में उन्होंने इसे एक कलात्मक एहसास देने के लिए पृष्ठभूमि संगीत, विभिन्न आवाज़ों, तस्वीरों, कार्टून छवियों और छायाओं का बुद्धिमानी से उपयोग किया था। ये जो एक फिल्म है इसके बारे में ये बात कर रही हैं कि सुनील दत्त के बारे में आप बात कर रही हैं कि जो है इन्होंने जो फिल्म बनाई है, कलाकार के साथ साथ ये फिल्मकार भी थे। और राज कपूर का जिक्र हमारे एक साथी ने किया है, 1948 में उन्होंने खुद के आर के बैनर से फिल्म निर्माण और निर्देशन की शुरुआत की, आग फिल्म से, और फिर काफ़ी फिल्में बनाई। हाँ, जहाँ तक हम बात कर रहे थे आवारा और श्री 420 में जो कन्फ्यूज़न था वो ये है कि ये श्री 420 फिल्म का गीत था, मेरा जूता है जापानी। और अब जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारे और साथी क्या कहते हैं। चेहरे पे अभिनय, हाथ में निर्देशन लेकर आए बहु आयामी फिल्मी क्षितिज पर सफल होने वाले अनेक सितारे याद आते हैं। कागज़ के फूल लेकर प्यासा कहलाने वाले गुरुदत्त हैं। और फिर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, ज़रूर पढ़िएगा आप पूरा। और फिलहाल मैं आपको, क्योंकि इसमें जवाब भी छुपा हुआ है हमारे प्रश्न का, इसलिए मैंने इसे अधूरा छोड़ दिया है। फिलहाल आप ये गीत सुनिए, बताइए इस फिल्म को निर्देशित किसने किया था। वैसे ये दोनों भाई जो हैं निर्देशक भी हैं और अभिनेता भी। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। बात तो साधारण नहीं है, वे हीरो जिन्होंने फिल्में बनाई और निर्देशन अपने हाथ में रखा, उनमें देवानंद की याद आती है। और उनकी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा को जब हम देखते हैं
तो उसका विषय और उसके गीत भी हमें याद आते हैं, खास करके भाई बहन के रिश्ते में राखी पर बहुत बजता है फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। इस गाने को इन्होंने याद किया है और देवानंद को भी याद किया है, तो बिल्कुल सही जवाब हमारे कई साथियों ने दिया है। देवानंद जो हैं प्रेम पुजारी फिल्म के निर्देशक थे, उन्होंने ये कहानी लिखी भी थी और निर्माता भी थे, साथ ही साथ वो जो हैं अभिनेता भी थे, इस फिल्म में हीरो भी थे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे साथियों ने क्या लिखा है। राज कपूर का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता आज के इस कार्यक्रम में, बिल्कुल सही कहा है आपने। राज कपूर को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का शोमैन कहा जाता है, उन्होंने भारतीय सिनेमा का चेहरा ही बदल दिया था, भले ही वो आज हमारे बीच नहीं लेकिन उनकी एक्टिंग और काम को आज भी याद किया जाता है, बिल्कुल सही कहा है आपने। वहीं जो है हमारे एक साथी लिखते हैं, अभिनय और निर्देशन दोनों ही कला के अलग अलग रूप हैं, कई अभिनेता दोनों ही क्षेत्रों में सफल हुए हैं और उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं। सबसे पहले नाम आता है और इन्होंने अपनी जो पसंद बताई है वो है राज कपूर, और फिर उनकी फिल्में भी यहाँ पर याद की है, साथ ही साथ इन्होंने देवानंद महमूद और भी कई जो हैं निर्देशक और कलाकारों को याद किया है। ये गीत फिल्म पता है आपको। हाँ, निर्देशन का बताना पड़ेगा आपको कि इसमें निर्देशन किसका था और संगीत। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, शर्तों पे तुमने किया, नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया, जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे।
पूरब और पश्चिम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और साथ में जब आपने मनोज कुमार लिख दिया तो बिल्कुल बात साफ हो गई। मुकेश की आवाज, इंदिवर का गीत, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। और यहाँ पर जो है हमारे एक साथी ने एक अच्छी बात कही, जो हमने एक प्रोमो बनाया है अपना आज के इस प्रोग्राम का, तो हमारे एक साथी ने कहा कि इसमें फूल का नहीं, फूल का जिक्र क्यों किया आपने? तो मैं ये कहना चाह रहा था एक्चुअली बात में कि फूल तो नज़र आ जाता है जैसे कि अभिनेता नज़र आ जाता है, लेकिन निर्देशक जो होते हैं वो फूल की खुशबू की तरह होते हैं, पीछे होते हैं और पूरी कहानी उनकी खुशबू से ही महकती है। और जब दोनों एक हो जाते हैं तो क्या खूबसूरत समा हो जाता है, गुलशन रंगीन हो जाता है। और यहाँ पर हमारे एक साथी ने फूल पर ही बात की है, बात फूल से शुरुआत की है, तो यही कहना है कि हिंदी का फूल तो मन प्रसन्न करता है, मगर क्या करे दुनिया में हर कोई एक दूसरे को अंग्रेजी का फूल बनाने पर तुला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है, निर्देशक का नाम आपको बताना है, आपको बताना है संगीतकार का नाम। नाजिया हसन की आवाज़, कुर्बानी फिल्म का गीत, गीतकार इंदिवर, संगीतकार बिद्दू, निर्देशक फिरोज खान, अभिनेता भी थे इस फिल्म में, सही जवाब आपका है। वहीं जो है हमारे साथी क्या कहते हैं ये पढ़ते हैं हम, कि यहाँ पर जो है राकेश रोशन जी, इन्होंने कामचोर बनाई, आपके दीवाने बनाई, कोई मिल गया कहो ना प्यार है बनाई, बिल्कुल बिल्कुल, और उन फिल्मों में काम भी किया है।
और हमारे कई साथियों ने अपने पसंदीदा एक्टर डायरेक्टर का जिक्र यहाँ पर किया है। अजय देवगन की भी यहाँ पर बात आई है कि उन्होंने शिवाय फिल्म की, और आमिर खान तो हैं ही जिन्होंने कई अच्छी फिल्में दी हैं जिसमें तारे ज़मीन पर हैं, और कई फिल्में जो हैं नसरुद्दीन शाह जो हैं इन्होंने भी जो है जाने भी दिलो यारो जैसी फिल्म में जो अभिनय किया और सभी को प्रभावित किया था। इसके साथ साथ इनके निर्देशन में बनी फिल्म थी यूं होता तो क्या होता, ये भी बेहतरीन थी, और वो एक अच्छे निर्देशक के रूप में भी दर्शकों के बीच में आए। वहीं जो है आप अरबाज खान की भी बात कर सकते हैं, एक्टर के रूप में तो वो बहुत सफल नहीं हुए लेकिन दबंग 2 जैसी बड़ी हिट फिल्म इन्होंने निर्देशक के रूप में दी है। फिलहाल एक और गीत है जो आप तक अब पहुंचना चाहता है। इस गीत का संगीत किसका है ये बताइएगा, फिल्म का नाम बताइएगा, साथ ही साथ ये बताइएगा कि ये फिल्म जो है किस अभिनेता ने निर्देशित की थी। आशा भोसले के स्वर में आप सुन रहे थे मनोरंजन फिल्म का गीत, संगीत आरडी बर्मन का था, गीत आनंद बख्शी का, और ये फिल्म जो है निर्देशित की थी मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर ने। हमारे एक साथी ने लिखा है कि इन्होंने उन्हें याद आ रही है कि बंडलबाज फिल्म भी उन्होंने निर्देशित की थी, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। और इस फिल्म में जो है शम्मी कपूर के साथ संजीव कुमार और जीनत अमान थे। और अब जो है हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत, आपको बताना है इस फिल्म का निर्देशन किस कलाकार ने किया था। सा
बेटे प्रार्थना के लिए नहीं चलोगे? मेरी माँ मिली? मिल जाएगी, आओ चले। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिस पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाए हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। जाने उनको नाएगा कोई, समझना है उनको ये अपना कर्म है। अपने कर्म से दिखाना है सबको, खुद का पनपना उभरना है खुद को। अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा, दिशा जिस पहचान संसार सारा। ये गीत हमने लिया फिल्म प्रहार से, स्वर मन्ना डे और बच्चों का था, और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। मंगेश कुलकर्णी ने इस गीत को लिखा था, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, नाना पाटेकर जिन्होंने जवाब दिया है। हमारे एक और साथी, उन्होंने लिखा है कि अब्दुल्ला, शायद संजय खान ने इसे निर्देशित किया था। बिल्कुल सही कहा है आपने, संजय खान ने इसे निर्देशित किया था। और आर डी वर्मन, आपने लिखा है संगीत आर डी का था, तो बिल्कुल आर डी वर्मन का संगीत था इस फिल्म में। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे कोई गाना सुनवाते, एक मशहूर अपने ही जॉनर के फिल्मों के लिए, और ख़ास करके बहुत मनोरंजन किया इन्होंने। एक ऐसे अभिनेता, लेकिन इन्होंने एक फिल्म भी बनाई, और भी फिल्में बनाई हैं। अन्य भाषाओं में भी हमारे कई ऐसे कलाकार रहे हैं भारतीय भाषाओं में, जो कलाकार होते हुए भी, अभिनेता होते हुए भी निर्देशन के क्षेत्र में आए और सफल भी रहे। फिलहाल आपको ये बताना है कि इस फिल्म को निर्देशित किसने किया, इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे, ये बता सकें तो ज़रूर बताइएगा। कंगना रे कंगना रे, किरणों से सब रंगना रे। कंगना रे कंगना रे, किरणों से सब रंगना रे। जब चलू तो छन 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 की अंगना रे, जब चलू तो छन 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 की अंगना रे। जब चूड़ियां तनके कंगना छनके छनके कंगना, जग जग सजना रे। कंगना रे कंगना रे, छन छन नन 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 नन। जब चूड़ियां खनके कंगना छनके छनके कंगना, जग जब सजना रे। कंगना रे कंगना रे, छन छन नन नन खन खन नन नन। कंगना बिन मर्जी के छनके ना, कंगना बिन हरजी के खनके ना। सुनावे चूड़िया कंगना बिन मर्जी के छनके ना, कंगना बिन मर्जी के खनके ना। रूठे मनावे चूड़िया
सिरा बांधू, तुम दूजा सिरा बांधू, तब सात रंग का झूला डाल के रंग 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 गगन को रंग नारे कंगना रे कंगना रे छन छन नन खन खन नन कंगना बिन मर्जी के छन के ना। पहली फिल्म का ये गीत था और जो है इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी थे और निर्देशक अमोल पालेकर जी। फिल्म है पहली, ऐसा लिखा है हमारे एक साथी ने और बिल्कुल सही लिखा है। और अब एक और नगमा है आप तक पहुंचना चाह रहा है, तो बिना देरी किए हुए ये नगमा आप तक पहुंचाते हैं। आपको बताना है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है। धर्म करम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, गीत मजरूह का था और संगीत आर डी बर्मन का, और इस फिल्म को निर्देशित किया था रणधीर कपूर ने। इस फिल्म में जो कलाकार थे वो थे राज कपूर, रणधीर कपूर, रेखा, प्रेमनाथ, दारा सिंह, पिंचू कपूर और भी अन्य कलाकार। और अब आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत है, आपको बताना है किस प्रसिद्ध कलाकार ने इस फिल्म को निर्देशित किया था, फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। Thank you.
तो ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी प्रश्न, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जिन्होंने हमें जवाब दिया है, और वो जवाब है जॉय मुखर्जी। इस फिल्म में जॉय मुखर्जी, माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर थे। और इसी के साथ अब जो है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम हमसाया फिल्म के इस गीत के साथ ही। ओपिन अय्यर का संगीत था, हमने पूछा था, मुझे आप इजाजत दें, बस कहना इतना ही है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।